नमस्कार, मैं शुभकरण सहायक आचार्य EFM। आज हम BCOM पार्ट सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए EAFM पेपर प्रथम राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन राजस्थान में यूनिट संख्या 5वीं अध्याय 22वां ग्रामीण वित्त के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, जो कि आज का टॉपिक रहेगा राजस्थान में ग्रामीण वित्त या भारत में ग्रामीण वित्त की कमियां कौन कौन सी हैं। भारत में ग्रामीण वित्त की कमियां या दोष एवं इन्हें दूर करने के लिए सुझाव। ये अपना टॉपिक है। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि ग्रामीण वित्त के विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं और ग्रामीण वित्त के स्रोतों का सापेक्षिक महत्व है कौन सा है। आज इसी क्रम में हम इस अंतिम यूनिट में जो अगला टॉपिक है ग्रामीण वित्त के या ग्रामीण वित्त की कमियां और या दोष और उनके सुझावों के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि भारत में कृषि वित्त व्यवस्था की अनेक प्रकार की अगर उपलब्धियां हैं तो उनकी दोष भी हैं। उन दोष एवं कमियां विभिन्न प्रकार की देखी जाती हैं, क्योंकि जब साख की समुचित व्यवस्था की जाती है या विभिन्न स्रोतों से संस्थागत गैर संस्थागत सरकार के माध्यम से जब ग्रामीण वित्त की व्यवस्था की जाती है ग्रामीणों के लिए कृषि कार्यों के लिए, तब उनमें अनेक समस्याएं अपने सामने आई हैं, वो निम्नलिखित हैं, जिसमें प्रथम है महाजनों का प्रभाव। महाजनों का प्रभाव, यहाँ पर इन्फ्लुएंस ऑफ महाजन्स इस प्रकार से पड़ा क्योंकि अगर हम महाजनों से, रिश्तेदारों से, एजेंट से, देसी बैंकर से, सेठ साहूकारों से जब पैसा उधार में लेते हैं तो हमें बहुत अधिक मात्रा में क्या दी देनी होती है, ब्याज है। बहुत अधिक ब्याज देना पड़ता है, जिसकी वजह से जो किसान वर्ग हैं, जो किसान व्यक्ति हैं, उनको बड़ी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि अधिक ब्याज होने से उस रकम को चुकाने में उन्हें अनेक प्रकार की कष्ट उठाने पड़ते हैं और अधिक ब्याज होने की वजह से कृषि कार्यों से जो उत्पादकता से जो आय हुई वो उनके लिए बड़ी समस्याएं होती हैं। तो इस प्रकार से देसी बैंकर सेठ साहूकार महाजन इस चंगुल में फंस जाते हैं, जिसे किसान आसानी से इस लोन या उस उक्त राशि से मुक्त नहीं हो पाते हैं। दूसरी है अपर्याप्त वित्त व्यवस्था। एक ये भी है भारत में ग्रामीण वित्त की अपर्याप्त वित्त व्यवस्था में, क्योंकि भारत में ग्रामीण वित्त की बहुत अधिक आवश्यकता है, जिसमें क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग गरीब किसान वर्ग हैं, जिसमें एक दूसरे वैज्ञानिक कृषियों के लिए वित्त की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें बैंकों, सरकार व अन्य एजेंसियों के द्वारा इनकी सहायता पड़ती है।
तो अपर्याप्त वित्त हो पाती हैं कि उनमें उपलब्ध मात्रा में धन नहीं हो पाता है। दूसरा है ब्याज का भार। ब्याज का भार भी ग्रामीण वित्त में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि सरकार वित्तीय संस्थाओं के द्वारा ये प्रयास अगर कर रही हैं तो हमें ग्रामीण वित्त का ब्याज दर बहुत कम हो लेकिन औपचारिकताओं की अधिकता से अधिक अधिक व्यय करने वहन करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से हमें ग्रामीण वित्त या कृषकों को अधिक ब्याज देना होता है, तो ये भी एक बड़ी समस्या है। तो चौथी हम बात करें ऋण वितरण में पक्षपात। ऋण वितरण में पक्षपात का मतलब यहाँ पर यह हुआ, क्योंकि कई व्यक्तियों को तो आसानी से लोन मिल जाता है परंतु कईयों को नहीं मिल पाता है, तो ग्रामीण वित्त व्यवस्था का लाभ वास्तव में आवश्यकता वाले गरीब व्यक्तियों तक नहीं पहुँच पाया है। प्रायः ये देखा जाता है कि सस्ती साख व्यवस्था का लाभ संपन्न किसान साहूकार स्थानीय नेता उठाते हैं, गरीब किसान व कारीगर इसे वंचित रह पाते हैं। तो ऋण वितरण में पक्षपात भी महत्वपूर्ण रही है। अगला है भ्रष्टाचार। ये भी एक अहम है, क्योंकि ग्रामीण वित्त की व्यवस्था में एक भ्रष्टाचार करप्शन बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि सहकारी या सरकारी समितियों द्वारा किए जाने वाले ऋण में पक्षपात या व्यापक भ्रष्टाचार, जिसमें ऋण स्वीकार करने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है, अतः ऋणों का पूरा लाभ वांछित व्यक्तियों को नहीं मिल पाता है, तो भ्रष्टाचार भी एक अहम भूमिका का निर्वहन करता है। एक समय पर ऋण उपलब्ध नहीं, समय पर ऋण उपलब्ध नहीं क्योंकि मौसमी फसल, राजस्थान में मौसमी फसल अधिक मात्रा से होती है, क्योंकि रवि की फसल के टाइम में अगर ऋण उपलब्ध नहीं हो पाता है, खरीफ की फसल के टाइम ऋण उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो भी ये बड़ी समस्याएं अपने सामने होती हैं, क्योंकि प्राय ये देखा जाता है कि संस्था के साथ में अनेक औपचारिकताएँ पूरी करनी पड़ती हैं, जिनकी वजह से किसान को समय पर ऋण नहीं मिल पाता है, विलंब से प्राप्त ऋण का सही उपयोग नहीं हो पाता है। अंतिम है ग्रामीण साख में कृषि ऋणों का कम हिस्सा। ग्रामीण साख में कृषि ऋणों का कम हिस्सा। ग्रामीण साख में कृषि ऋणों का भी बहुत ही कम हिस्सा होता है, उसकी वजह से भी बड़ी समस्याएं हैं, जिसमें हम बात करें ग्रामीण साख में कृषि वित्त की व्यवस्था में कम हिस्सा होने से भी यह है। तो ये तो अपनी यहाँ पर कमियां हो गई, अब हम बात करें सुझावों की। तो ग्रामीण वित्त की कमी को दूर करने के लिए प्रथम सुझाव तो यही है कि सहकारी साख व सहकारी विपणन में आवश्यक तालमेल हो। सहकारी साख व सहकारी विपणन में तालमेल, सहकारी साख और सहकारी विपणन में तालमेल होने से भी ये सुझाव का है, क्योंकि सहकारी साख वित्त व्यवस्था करवाती हैं तो आपस में तालमेल एक अहम भूमिका का निर्वहन निभाती हैं, एक परस्पर समन्वय। परस्पर समन्वय, जब बैंक से या किसी विभिन्न व्यापारिक संस्थाओं से जब पैसा जब लेते हैं तो उनमें आपस में कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर परस्पर समन्वय नहीं होगा तो लोन नहीं मिल पाता है, तो इनकी समस्याओं का भी समाधान होना चाहिए, क्योंकि विभिन्न संस्थाओं में समन्वय होना ज़रूरी है। एक सहकारिता का प्रचार। सहकारिता का प्रचार भी एक अहम भूमिका का निर्वहन करते हैं, क्योंकि भारत में ग्रामीण वित्त की कमियां और दोष में सहकारिता का प्रचार सहायक होता है। तो हमें हम बात करें सहकारिता का प्रचार होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रचार होगा तो सहकारी सेवा समितियों की स्थापना की जानी चाहिए, जिससे प्रबंध के सदस्यों को सक्रिय रूप से भागीदारी मिल सके। तो सहकारिता का प्रचार। अगला है सहकारी साख समितियों में पूंजीगत साधनों में वृद्धि। सहकारिता साख समितियों में पूंजीगत वृद्धि।
सहकारी साख समितियों में भी पूंजीगत सहकार वृद्धि होनी चाहिए, जिससे एक अहम भूमिका होती है, क्योंकि पूंजीगत साधन जब रहेंगे तो आसानी से किसान वर्ग को लोन मिल पाएगा। एक कुशल प्रबंध की व्यवस्था होनी चाहिए, कोई भी है बैंक संस्था उनमें कुशल प्रबंध रहेगा तो आसानी से ऋण सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। तो ये कुशल प्रबंध की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें वित्त प्रदान करने वाली समितियों में कुशल प्रबंध योग्य कर्मठ व्यक्तियों के द्वारा ही किया जाना चाहिए, जिससे सही तरीके से नियमानुसार कार्य हो सके। एक है जमा बीमा पद्धति, किसानों को एक जमा बीमा पद्धति भी रखनी चाहिए, जिससे अनावश्यक रूप से लोन नहीं लेना पड़े, जिसे अनावश्यक ब्याज उनको नहीं चुकाना पड़े। तो उनकी सहकारी बैंकों अधिक से अधिक जमा होना चाहिए, जिससे बीमा पद्धति को विकसित किया जा सके। एक है केंद्रीय सहकारी बैंक, एक केंद्रीय सहकारी बैंक की भी अहम भूमिका होती है, क्योंकि केंद्रीय कमज़ोर बैंकों का पुनर्गठन और पुनर्स्थापन शीघ्र किया जाना चाहिए, जिसमें एक जिले में मात्र एक सहकारी बैंक होना चाहिए। उपज ऋण पद्धति, उपज ऋण पद्धति भी एक अहम भूमिका का निर्वहन करती है, कि उपज ऋण पद्धति के आधार पर ही क्रियान्वित होना चाहिए। तो उपज ऋण पद्धति होनी चाहिए, उपज ऋण पद्धति में किसानों को उपज ऋण पद्धति के माध्यम से उस प्रथा को विकसित करना चाहिए, जिसे प्रतिभूति के रूप में भूमि पर जोर न देकर किसानों की ऋण अदायगी की योग्यता पर जोर देना चाहिए। तो ये भी इनकी विशेष समझा, एक ऋण प्रक्रिया को सरल बनाना। एक सुझाव एक ये भी है, जो ऋण प्रक्रिया है उसको क्या बनाया जाए, सरल। अगर ऋण प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा तो किसान आसानी से अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण ले करके अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। तो भारत में ग्रामीण वित्त की कमियों में ऋण प्रक्रिया को सुगम एवं सरल बनाना भी एक अहम भूमिका का निर्वहन करता है। तो ऋण प्रक्रिया को सरल बनाने से किसान वर्ग को बहुत अधिक बेनिफिट है, बहुत अधिक फायदा है। तो ऋण प्रक्रिया को सरल बनाना, जो भी कागजी कार्रवाई है उसको कम करना, जिससे किसानों को समय पर ऋण मिल सके, रवि की फसल के टाइम मिल सके, खरीफ की फसल। तो ऋण प्रक्रिया को सरल बनाने में भी एक अहम भूमिका है। एक ऋण चुकाने पर जोर, एक किसानों के द्वारा लिया गया ऋण उस प्रक्रिया में विभिन्न किस्त के माध्यम से, इंस्टॉलमेंट के माध्यम से चुकाना चाहिए, जिससे जोर नहीं आए। तो ये भी एक अहम है, ऋण प्रक्रिया ऋण चुकाने पर जोर नहीं आए, सरल प्रक्रिया बनाई जाए, ग्रामीण वित्त के सुझावों में ऋणों को आसानी से क्रियान्वयन किया जाए। तो किसान वर्ग को निर्धारित ईएमआई या निर्धारित किस्त के आधार पर ऋण पद्धति को चुकाना चाहिए, जिससे सरकार को और किसान को बेनिफिट्स हो सके। एकीकृत कार्यक्रमों को लागू करना, एकीकृत कार्यक्रमों को भी लागू करना भी एक अहम भूमिका है, क्योंकि जब एकीकृत कार्यक्रम जब लागू होंगे तो सिंचाई, चकबंदी, भूमि सुधार आदि के विभिन्न एकीकृत कार्यक्रमों को सरल बनाया जाए, ताकि गाँव में रोजगार व आमदनी बढ़ सके और निर्धनता की सीमा को का उन्मूलन हो सके, उनको कम कर सके। अगला, किसानों में बचत की आदत को बढ़ावा, किसानों में बचत की आदत को बढ़ावा देने से भी किसानों की एक आदत विकसित करनी चाहिए, ताकि ग्रामीण वित्त को एकत्रित करने में सर्वोत्तम उपाय अपनाने जाने चाहिए, जिससे उन्हें अधिक ऋण नहीं लेना पड़े। तो इस प्रकार के सुझावों को अपनाने से कृषि वित्त की व्यवस्था में सुधार किया जा सकता है। तो हम इस प्रकार इस वीडियो में हमने आज के वीडियो में चर्चा की कि ग्रामीण वित्त की कौन कौन सी कमियां हैं, कौन कौन से सुझाव हैं। ये आपकी यूनिट संख्या 5 का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके अंतिम यूनिट का
एक सेकंड चैप्टर 5 यूनिट में ग्रामीण वित्त के स्रोत में एक प्रश्न आता ही है, जिसमें ग्रामीण वित्त के स्रोत या ग्रामीण वित्त की कमियां या इन्हें दूर करने के सुझाव। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे किसान साख पत्र योजना की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, कृषि साख इस स्कीम की क्या आलोचनात्मक व्याख्या होती है। तो अगले वीडियो मिलेंगे केसीसी की चर्चा के बारे में। बहुत ही बहुत धन्यवाद, थैंक यू।